जीरो से छः मंथ के बेबी के लिए है। इसकी लंबाई हम देख लेते हैं, 44 सेंटीमीटर यानी 17 इंच। यहाँ से देखें तो 14.5 इंच 37 सेंटीमीटर, ये 4 इंच है 10.5 सेंटीमीटर यहाँ तक, ये यहाँ तक है 3.5 इंच 9 सेंटीमीटर। यहाँ से देखें पैर की लंबाई तो 7 इंच है 18 सेंटीमीटर। इसको बुनना बहुत आसान है, इसमें ये सब लग गया है, आप चाहे तो जो चीज़ भी लगा लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लग रहा है देखिए। चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। नंबर के सिलाई से फंदा डालेंगे और 10 नंबर के सिलाई से बॉर्डर बनाएंगे। इसके लिए हम डबल ऊन लेंगे, इस तरह 24 फंदे डाल लें। एक फंदा इधर अधिक लेंगे, एक फंदा उधर, ये एक साथ घट जाएगा। जीरो से 6 महीने के बच्चे तक का बन रहा है। इस तरह से फंदा डालना पिछले वीडियो में बताए थे। अधिक रहेगा, ज्यादा हो गया है। इधर भी एक किनारे ज्यादा है, किधर भी वाला फंदा हटा देंगे, इससे नहीं बुनना है, 10 नंबर से बुनेंगे। इधर से उल्टा बुने हैं, इधर से सीधा बुनेंगे कि इधर साइड उल्टा ही आए। किनारे का उठा लेंगे, इस तरह से बुनना है सीधा।
ये दूसरा ही हो गया। अब यहाँ बॉर्डर बनेगा एक उल्टा और एक सीधे का, किनारे वाला उल्टा रहेगा, उठा लिए। अब ये फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक उल्टा और एक सीधा। इस तरह पूरी सिलाई बुन लें। उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बनाएगा। किनारे का उठा लेना है और ये सीधा फंदा है इसको सीधा बुनना है, ये उल्टा फंदा है इसको उल्टा बुनना है। और ये सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा, ये 11 सिलाई तक बुनना है। ये 11 सिलाई बाद कलर बदलेंगे। दिखा रहे हैं, चौथा सिलाई चल रहा है। एक सिलाई और बुनेंगे, उल्टे साइड से लगेगा ये कलर। सिलाई हो गया और ये उल्टा साइड है। अब 10 नंबर से नहीं बुनना है, 9 नंबर से बुनेंगे। अब ये कलर बदल लें, इस कलर से बनना है। 8 फंदा उल्टा उल्टा बनना है। आठ फंदा हो गया, यहाँ एक फंदा बढ़ेगा, 2 फंदा बढ़ाना है इसे बस। बढ़ गया, फिर 8 बनना है।
24 फंदे का यह है बॉर्डर, दो फंदा बढ़ गया 26 फंदा हो गया। साइड से उल्टा उल्टा बुनना है। एक लाइन हो गया ऐसे, इधर से भी उल्टा ही बुनना है, किनारे के उठा लेना है। इस तरह उल्टा उल्टा बुनना है। इधर से भी उल्टा बुनना है। दो लाइन हो गया, अब वाइट से बुना जाएगा। वाइट से दो लाइन, फिर इससे दो लाइन, ऐसे ही बुनना है। इससे भी उल्टा ही बुनना है। इधर से भी उल्टा घूमना है। धागे को ऐसे ऊपर करके इसको उठा लेना है। उल्टा ही बुनना है दोनों साइड से उल्टा। Thank you.
कलर लगेगा। चार सिलाई पे बना है, चार सिलाई का ये या चार सिलाई का ये, दो सिलाई उल्टा दो सिलाई सीधा, इसी तरह सात लाइन ये बनेंगे, सात धारी, सात कलर का मतलब ये बनेगा और सात कलर का ये भी बनेगा, लंबाई पूरा हो जाएगा सात लाइन में। इसको ऊपर कर देना है। हम सात धारी बनाकर दिखा रहे हैं। सात लाइन हो गया है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये भी हो गया है सात लाइन, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ऐसे ऐसे चार पीस बना है। पीस तैयार कर दिए हैं। अब यहाँ हमको ये कलर लगाना है, यहाँ से यहाँ तक बुन कर ले आ रहे हैं, तो फिर दूसरा पॉइंट जुड़ेगा। यहाँ दो फंदा बढ़ेगा, दो फंदा हो गया। यहाँ ये वाला पीस भी लग जाएगा। पूरा बुनना है।
तरह ये बुने हैं इसी तरह ये भी बुनाएगा और ये भी एक में हो जाएगा ये और ये एक में बुना जाएगा। एक ना बुन करके दिखाएंगे, ऐसे यही बुनना है। इस तरह उल्टा उल्टा दोनों साइड से बुनना है। चार सिलाई ये बुना जाएगा और चार सिलाई ये बुना जाएगा, सेम यही डिजाइन जाएगा ऊपर तक। इसमें बीच में कहीं नहीं बढ़ाना है। सिर्फ यहाँ बढ़ा है और कहीं नहीं बढ़ेगा। ये दो फंदा है, दोनों बुन लेना है। सीधे साइड से भी उल्टा और उल्टे साइड से भी उल्टा, बुनते जाइएगा। यहाँ तक बुनना है। इधर से उल्टा बनाएगा यहाँ तक। अब ये कलर से बनाएगा। इसी तरह दो से चार सिलाई ये और चार सिलाई ये बुनते हुए बड़ा कर लें। इसी तरह व्हाइट कलर से चार सिलाई और पिंक कलर से चार सिलाई बुनते हुए लंबाई इतना पूरा कर लें। इतना लंबाई तैयार हो गया है। रोम्पर के ऊपर वाला हिस्सा बनेगा। रोम्पर के आगे के बुनाई पार्ट टू में है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।